लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम पायदान पर है और दिल्ली के मतदाताओं का फैसला करना बाकी रह गया है। लेकिन दिल्ली में मोदी जी का जादू कितना असर डाल रहा है और कितना दम भर रहा है और कार्यकर्ताओं में कितना जुनून है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आपको एक ऐसे इलाके की झलकी और मोदी जी के प्रभाव का असर कितना है वो बताना चाहता हूँ। दिल्ली का जहांगीरपुरी इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ लगभग 5 विधानसभा और 3 लोकसभा की सीमाएं लगती हैं। मतलब जिस पार्टी ने जहांगीरपुरी इलाके में अपनी सभा कर दी तो 3 लोकसभा के वोटर प्रभावित होते हैं। इस बात को जहांगीरपुरी की पूर्व निगम पार्षद पूनम अश्विनी बागड़ी भली भांति समझती है और रेहड़ी पटरी और बाजार लगाने वालों के साथ इनका बहुत पुराना नाता रहा है। इसलिए जहांगीरपुरी के कई बाजारों में और रेहड़ी पटरी वालों के साथ बीजेपी के प्रचार प्रसार में दिन रात लगी हुई है, जिसके चलते दिल्ली लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमतों से विजयी बना सकें, इसके लिए कई पदयात्रा निकाली हैं। इस पदयात्रा और बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में उनका क्या कहना है, आप भी सुने। के जहांगीरपुरी की जनता जो लोग सोचते हैं कि मुक्त मुक्त मुक्त, तो मुक्त कोई भी नहीं खाना चाहता, हर कोई मेहनत करके खाना चाहता है। सभी लोग यही चाहते हैं कि सरकार से हमें मेहनत करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जरिया चाहिए। सरकार इन्हें, जैसे ये आप देखते हैं रेहड़ी पटरी वाले हैं, साप्ताहिक बाजार वाले, सब मेहनत से खा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। हम इनके समस्या लेकर के, हम जब केजरीवाल जी से यहाँ मिलने गए, उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया, तो आज जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने किस लिए नकार दिया, कि सब लोग अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं, मुक्त का कोई नहीं खाना चाहता और सभी लोग मेहनत करना चाहते हैं। इसलिए सभी लोगों ने एक प्रण किया है कि हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जो हमारी रोटी रोजी का ध्यान रखेगा और हमें मेहनत के खाने का देगा, मुक्त का कुछ नहीं। इस पर अश्विनी बागड़ी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वासी मोदी जी का कर्ज वोट देकर चुकाएंगे। आखिर अश्विनी बागड़ी किस कर्ज की बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये साप्ताहिक बाजार है और इस बाजार के अंदर तीनों लोकसभा की जनता आती है। यहाँ पर पूर्वी दिल्ली के भी चांदनी चौक भी और उत्तरी पश्चिमी लोग के लिए भी लोग हैं। जहांगीरपुरी के अंदर 3 लोकसभा घटा हुआ है और आप देख रहे हैं कि हर रेहड़ी पटरी वाले ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रखा है। ये सारे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना थी, जिस समय कोरोना काल के अंदर रेहड़ी पटरी वाले 10-10% में पैसे ले रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ये योजना लेकर के आए थे और आज प्रधानमंत्री जी का एक कर्ज उतारने के लिए सभी रेहड़ी पटरी वाले मोदी सरकार को तीसरी बार चुनना चाहते हैं और पूरा देश जो राष्ट्रहित के अंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है, उसको लेकर के आज हम अपने साप्ताहिक बाजार के अंदर ये पदयात्रा की। इस पदयात्रा में उपस्थित जन समूहों पर फूलों की बारिश की गई और पदयात्रा का स्वागत किया गया। इस स्वागत के दौरान साप्ताहिक बाजार के प्रधान राजेश गुप्ता ने समस्त रेहड़ी पटरी वासियों की ओर से आश्वासन दिया कि सभी रेहड़ी पटरी वासी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और इस वोट पर राजेश गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक तरफा लहर यूं है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, ये सबका यही मानना है कि हमारा वोट होना चाहिए देश हित के लिए, देश कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और देश की सुरक्षा किसके हाथों में है सभी जानते हैं। देश की सुरक्षा आज बीजेपी से अच्छी कोई नहीं संभाल सकता। केजरीवाल शराब घोटाले में फ्री का पानी, 20 रुपए का पर आदमी पर दुकानदार जा रहे खरीद का पानी पी रहा, तो फ्री कहाँ से है ये बताओ आप। बिजली 200 यूनिट फ्री है, कमर्शियल बिजली 12.80 रुपए 16.80 रुपए कर दिए और 16.80 रुपए करने के बाद कमर्शियल बिजली अगर महंगी है तो अपने आप ही महंगाई बढ़ गई। आप सोचो कि महंगाई कैसे नहीं बढ़ी, आज कमर्शियल बिजली महंगी हो गई, लोगों का सामान महंगा मिल रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार GST लगा रही है, स्टेट GST लगा रही है, स्टेट GST लगा रही है। और ये देखो जैसे हम हमारे भाई बोल रहे हैं पानी का नाश, नहाने का पानी भी MCD का पानी नहाने लायक भी नहीं बचा, पीने लायक तो बहुत दूर की बात है। आप बताएं फिर हम किसके साथ हो। मेरा वोट मेरा देश मेरा सबका कहना, हम सबका पूरे साप्ताहिक बाजार का सबका कहना ये है कि हमारा पूरा साप्ताहिक बाजार आज BJP के साथ है। वोट फॉर मोदी। जहांगीरपुरी के समस्त रेहड़ी पटरी वासियों तथा दुकानदारों ने जो संकल्प लिया है, क्या ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र हित और व्यापार हित में वोट करेगा? और क्या जहांगीरपुरी से दोनों प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया और प्रवीण खंडेलवाल को भारी बहुमतों से विजयी बनाएगा?
ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर।